Hi everyone, this is Mayank Kothari and today we are going to discuss about a 20 days plan for the strategic financial management for November 2018 attempt. कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों से पूछा था कम्युनिटी टैब में कि प्लीज़ वोट कि आपको एग्जैक्टली कितने दिन का प्लान चाहिए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ प्रॉपर डायरेक्शन देने में. पूरी मेहनत तो वैसे भी आप ही को करनी है, एफर्ट्स पूरे डालने हैं तभी सक्सेस पॉसिबल है, बट एक राइट अप्रोच होना ज़रूरी है. सो क्या क्या चीज़ें कवर होनी चाहिए ये आज मैं आपको बताऊंगा और 20 डेज में कैसे आप स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कवर अप कर सकते हो. ओल्ड और न्यू सिलेबस दोनों को हम साथ साथ में डिस्कस करेंगे. मैं जहाँ जहाँ पे ओल्ड और न्यू आएगा तब वहाँ वहाँ पर बताते जाऊँगा कि ये ओल्ड के वालों के लिए ये न्यू वालों के लिए. दो अलग अलग वीडियो रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से, इसीलिए साथ ही में मैं लेके चल रहा हूँ, तो आप उतना कोऑपरेट करिए और कहीं पर भी आपको कुछ दिक्कत आए तो ज़रूर बताइएगा. पहली चीज़ आप नोटिस कर लो कि हर एक इंडिविजुअल पर्सन की कैपेसिटी अलग होती है. दिन में कितने घंटे पढ़ते हो आप उस पर डिपेंड करता है. मैं नॉर्मल मान के चल रहा हूँ कि आप 12 घंटे पढ़ेंगे, 6 घंटे और 6 घंटे, पहली चीज़ ये हो गई. दूसरी चीज़, मैंने 6-6 घंटे के हाफ डेज के प्लान बनाए, यानी कि अगर मैं 20 दिन का प्लान आपको ये बता रहा हूँ इसका मतलब मैंने आपको 40 दिन का प्लान बना के बताया. बिकॉज एक दिन मैं आपको बिल्कुल भी ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप पूरा दिन SFM पढ़ते रहे. इट्स बेटर कि आधा दिन आप SFM पढ़ो और आधा दिन कोई और सब्जेक्ट पढ़ो. प्रैक्टिकल और थ्योरी का कॉम्बिनेशन बनाओगे तो इफेक्टिवली 12 घंटे यूज़ कर पाओगे. अगर पूरा थ्योरी पढ़ोगे तो आपको लगता है 12 घंटे आप इफेक्टिवली यूज़ कर पाओगे थ्योरी, नहीं. पूरा प्रैक्टिकल भी पढ़ोगे तो शायद ये हो जाए लेकिन थ्योरी में फिर वापस प्रॉब्लम जाएगी. सो इट विल गो डिफिकल्ट इफ़ यू विल डिप्लॉय 20 एंटायर डेज फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग फॉर ओनली वन सब्जेक्ट, बिकॉज हम कहीं बोर भी हो जाते हैं एक टाइम के बाद में, 2-4 घंटे 3 घंटे के बाद में. जितने भी प्लान आगे मैं आपको बताऊंगा वो हाफ डेज के हिसाब से होंगे. तीसरी चीज़, आपका 20 डेज सूट नहीं होता, आपको 18 दिन सूट होता है, आपको 25 डेज सूट होता है. आपका प्लान 25 दिन का है, थोड़ा सा वेरिएशन लेके आ जाओ, आपको सब पता चल जाएगा. आप एग्जैक्टली डेज ऐड कर सकते हैं कोई पर्टिकुलर चैप्टर में तो आपका वो प्लान बन जाएगा, ठीक है, 25 डेज का. ये है 20 डेज का प्लान. सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ ओल्ड सिलेबस वालों के लिए. तीन हिस्से में मैंने डिवाइड किया है 20 डेज को. ओल्ड सिलेबस का अगर मैं आपको बताऊं, सो इफ़ दिस इज़ ओल्ड सिलेबस तो मैंने पहले 14 डेज, फिर 3 दिन, फिर 2 दिन, ऐसे तीन हिस्सों में डिवाइड किया है. ये 20 डेज नहीं है, 19 डेज हो गए. एक दिन भगवान के लिए छोड़ दो, मतलब कुछ ऊपर नीचे हो गया, कहीं तबीयत खराब हो गई, कहीं पे आप कुछ कवर अप नहीं कर पाए तो उस दिन आप कवर कर लोगे, ठीक है. 14 डेज में आप पहली रीडिंग करोगे, रीडिंग बोलूँ मैं, रिविजन बोल सकता हूँ आपका. थर्ड 3 दिन में फिर आप फर्स्ट रिविजन करोगे और सेकेंड डे में 2 दिन जब बचेंगे आप तब सेकेंड रिविजन करोगे. क्या क्या कवर करना है तीनों टाइम पे ये मैं आपको बताऊंगा. न्यू सिलेबस वालों की बात करते हैं, न्यू सिलेबस वाले ध्यान देंगे यहाँ पे. न्यू सिलेबस वालों के लिए ये 15 दिन, 3 दिन प्लस 2 दिन का प्लान है. एग्जैक्टली 20 डेज का प्लान है. एक दिन आपको भगवान ने नहीं दिया, आपको अलग से निकालना पड़ेगा, ठीक है. सो सेम चीज़, आप पहली रीडिंग यहाँ मारोगे, फिर फर्स्ट रिविजन यहाँ पे और सेकेंड रिविजन यहाँ पे. 14 दिन 15 दिन 3 दिन 2 दिन के हिसाब से आपका प्लान है. सबसे पहले चैप्टर वाइज मैं ओल्ड सिलेबस का डिस्कस करता हूँ आपको. दिस इज़ अ प्लान फॉर द ओल्ड सिलेबस. शुरुआत कर रहे हो SFM की, ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा पैनिक नहीं, थोड़ा सा एक जोश होना चाहिए, तो थोड़े ईजी चैप्टर से शुरुआत करो. जैसे ये लिंक बैठेगी 2-3 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में SFM की चीज़ें माइंड में आने लग जाएगी, फिर डिफिकल्ट चैप्टर्स उठाना. एकदम डिफिकल्ट स्टार्टिंग में उठा लोगे ना तो पैनिक होना शुरू हो जाओगे, ठीक है. सो एक स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर, सारे चैप्टर ईजी वाले स्टार्टिंग में मत करो, 2-3 चैप्टर आप स्टार्टिंग में ईजी में करो. सो मैंने सीक्वेंस भी अरेंज करके दिया, यही सीक्वेंस अगर आप फॉलो करोगे तो इट विल बी गुड. तो पहला चैप्टर देखो, सबसे पहला अपने जो डिविडेंड डिसीजन चैप्टर है वो पकड़ना है. ओल्ड सिलेबस की बात कर रहा हूँ, सो न्यू सिलेबस वाले थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं वीडियो को. म्यूचुअल डिविडेंड डिसीजन में आपने 2 दिन देने हैं, 2 दिन यानी कि हाफ डेज. पहले दिन के 6 घंटे, दूसरे दिन के 6 घंटे, बस इतना. सो एग्जैक्टली मैं एक ही दिन पकड़ के चल रहा हूँ, अगर आप पूरा दिन पकड़ो तो 2 दिन में आपको कवर अप करना है. अच्छा, क्या कवर अप करना है आपको इन 14 डेज में? याद रखना 14 डेज में आपको इतने सारे चैप्टर्स खत्म करना ईजी टास्क नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट डिफिकल्ट. बट आप लोगों ने सिर्फ मेरे को 20 दिन का प्लान बताया तो मैं मान के चल रहा हूँ कि एक बार आप या तो गो थ्रू हो चुके हैं या क्लास कर चुके हैं, तभी 20 दिन में पॉसिबल है. अगर आप बोलोगे मैं 20 दिन में क्लास भी करूँगा, मैं 20 दिन में रिवाइज भी कर लूँगा, इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, पहली चीज़. तो एक्सेप्ट कर लो फैक्ट को, 20 दिन में कवर करना है तो कैसे करना है. दूसरी चीज़, आप क्लास के नोट्स भी पूरे करोगे, उसके बाद प्रैक्टिस मैनुअल भी पूरा करोगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा. साथ साथ में लेके चलो, आई थिंक तो हो जाएगा. दोनों बुक साथ में रखो, आप जैसे क्लास के नोट्स कर रहे हो या वीडियोस देख रहे हो तो क्लास के नोट्स करो, वही क्वेश्चन प्रैक्टिस मैनुअल में टिक कर लो ताकि उसमें से ना करना पड़े. बाकी के क्वेश्चन जो है उसी चैप्टर के, वो प्रैक्टिस मैनुअल में से साथ साथ में करते चलो, ठीक है.
एकदम बिल्कुल भी, मैं आपको एक दो तीन चीज़ें बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन इररिलेवेंट अगर होंगे क्लास के नोट्स में या फिर कहीं और, तो वो अवॉइड करो। टाइम आपके पास में बहुत कम है, अभी से 5 महीने बाकी है। जैसे मैं अभी आज जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज से तो 5 महीने बाकी है SFM का, सॉरी नवंबर 2018 के पेपर को। बट स्टिल 8 सब्जेक्ट को कंसिडर करते हुए टाइम कम है। एक ग्रुप दे रहे हो तो ऑब्वियसली फिर तो आप आराम से पूरा महीना ले सकते हो, 30 डेज है आपके वो SFM को तैयार करने के लिए, और आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। सो सेकंड इज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड 1.5 डे यानी 6 घंटे में म्यूचुअल फंड खत्म करना है। ओवरव्यू कॉन्सेप्ट होना चाहिए, 6 घंटे में पॉसिबल है, ऐसा नहीं है नहीं खत्म होता। और उसके बाद बॉन्ड वैल्यूएशन पकड़ो। बॉन्ड वैल्यूएशन आपको इंस्टीट्यूट के मटेरियल में सिक्योरिटी एनालिसिस नाम से मिलेगा, ठीक है, सिक्योरिटी एनालिसिस। तो 3 दिन जो है, 3.5 डे, 6 6 6, ये मैंने सिर्फ बॉन्ड वैल्यूएशन को नहीं दिए, मैं बॉन्ड वैल्यूएशन एंड सिक्योरिटी एनालिसिस को दे रहा हूँ। अब सिक्योरिटी एनालिसिस का जो चैप्टर है वो, उसमें बाकी के भी क्वेश्चंस इंक्लूडेड है, लाइक आपका मूविंग एवरेजेस वगैरह हो गया, रन टेस्ट हो गया, और उसके बाद में कुछ डिविडेंड डिसीजन या फिर सिक्योरिटी वैल्यूएशन, सॉरी सिक्योरिटी, हाँ सिक्योरिटी वैल्यूएशन वाले भी, वैल्यूएशन नहीं, सिक्योरिटी एनालिसिस वाले कुछ जैसे डिविडेंड वाले क्वेश्चन है, वो भी इंक्लूडेड है यहाँ पे। सो 3 में हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो 2 में ही हो जाना चाहिए, तो 1.5 डे आप बचा सकते हो, बट यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो। मर्जर्स 3.5 डेज, ठीक है, पोर्टफोलियो 4.5 डेज, डेरिवेटिव 3.5 डेज, फॉरेक्स 4.5 डेज। सो कहीं पे अगर आपको लगता है कि आपका चैप्टर इजी है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो वहाँ पे आप डेज बचा सकते हो, बचाने की कोशिश ज़रूर करना। फाइनेंशियल सर्विसेज ये फैक्टरिंग वाला पार्ट है, ठीक है, मैक्सिमम तो ये 6 घंटे में हो जाता है। 2 ही तरह के क्वेश्चन होते हैं फैक्टरिंग में अभी तक जो इंस्टीट्यूट ने पूछा, एक तो क्या फैक्टरिंग हमें करनी चाहिए, फिजिबिलिटी ऑफ द फैक्टरिंग, ठीक है, 1 सेकेंड, फिजिबिलिटी ऑफ द फैक्टरिंग हो गया, दूसरा हो गया कि कॉस्ट ऑफ, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस मैनुअल अगर उठा के देखोगे तो आपको पता चलेंगे मोस्टली 2 ही तरह के क्वेश्चन हैं। तो एक दो क्वेश्चन तो आप अवॉइड भी कर सकते हो जो सिमिलर हैं। लीजिंग डिसीजन 2.5 डेज आई थिंक इज़ इनफ, 6 6 12 घंटे। उसके बाद कैपिटल बजटिंग, अच्छा कैपिटल बजटिंग में मैंने कम लिया, गलती हो गई, अच्छा सॉरी, यहाँ पे ना ये होना चाहिए था, यहाँ पे इसको क्रॉस करो, इसको 1 करो और इसको 2 कर दो, ऊपर नीचे हो गया। फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी 6 घंटा बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं आपको, 2 3 घंटे में, 4 घंटे में हो जाता, पूरा थेरी वाला चैप्टर है। क्यों इसको मैं हर बार कंसिडर करता हूँ, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता ही है। लाइक अगर आप 10 एग्ज़ाम कंसिडर करोगे तो 6 एग्ज़ाम में, 7 एग्ज़ाम में, इसमें से 4 5 मार्क का थेरी क्वेश्चन आता ही है। सो अगर थेरी ऑल टुगेदर अवॉइड करनी है तो आप ये हटा सकते हो, वरना 4 घंटे में आपका ये सब्जेक्ट हो जाता है और चैप्टर हो जाता है। ये पूरा थेरी है, इसको बाद में करना है तो ये पूरा दिन आप बचा सकते हो। तो कहीं जगह पे मैंने एक्स्ट्रा टाइम भी दिया है आपको, जिसको आप कहीं और एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद मनी मार्केट ऑपरेशन एंड FDI FII IFM, एक दिन मनी मार्केट को, एक दिन FDI को दे दो, हो जाता काम। इस तरह से एक एक्स्ट्रा दिन दे दिया, उस तरह से आपके 28.5 डेज यानी कि 14 डेज में पूरा प्लान ख़त्म हो गया। कोशिश करना कि 12 या 13 दिन में ख़त्म करने की कोशिश करो आप उसको, तब जाके पूरा प्रॉपरली होता, ऐसा नहीं है नहीं होता। दिस इज़ ऑल अबाउट द ओल्ड सिलेबस। जहाँ जहाँ इसका ना ये जो इमेज है मैं आपको दे दूंगा, आप चाहो तो उसको प्रिंट आउट निकाल के आप अपने पास रख सकते हो, या डन वाले कॉलम में आप टिक कर लो, या तो आप अपने हाथ से बना लो, ऐसा ही कुछ। न्यू सिलेबस की बात करते हैं, 5 मिनट ओल्ड सिलेबस वालों को रिक्वेस्ट करूंगा कि होल्ड कर ले या थोड़ा सा आगे बढ़ा ले। सो सिक्योरिटी वैल्यूएशन इज द फर्स्ट चैप्टर दैट यू हैव टू गो थ्रू। सिक्योरिटी वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा चैप्टर है, 2 दिन लगेंगे आपको उसको कवर अप करने में। मैं 4.5 डेज दे रहा हूँ, यानी कि 6 × 6 × 4 24 डेज, सॉरी 24 आवर्स, आई थिंक बहुत ज़्यादा है। तो इसकी थेरी भी आपको करनी है, फार्मूलाज भी याद करना है आपको, और उसके बाद में आपको सारे क्वेश्चन भी करना है। सो क्लास के नोट्स, वीडियो लेक्चर्स और अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस मांगे। भावनाओं में मत बह जाना कि क्लास देखती गई देखती गई देखती गई और पता ही नहीं चला कब टाइम निकल गया, और आधा ही कोर्स हुआ और 4.5 डेज निकल गए। म्यूचुअल फंड अगेन 1.5 डे कंप्लीट हो सकता है। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन एंड मर्जर, ओल्ड सिलेबस में ये एक ही, अच्छा ओल्ड सिलेबस का क्या मैं डिस्कस कर रहा हूँ, छोड़ो। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन 1 दिन में होता, ठीक है, मर्जर 2 दिन में होता, पॉसिबल है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वही 4 दिन, डेरिवेटिव्स के लिए 2, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के लिए 1, फॉरेक्स के लिए 4, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी होना चाहिए यहाँ पे उसके लिए 1, थेरी है, यहाँ से थेरी आना शुरू हो जाती है, ठीक है, और ये प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, दिस इज प्रैक्टिकल दिस इज थेरी। सो थेरी
हार्डली आपको 28 से 30 मार्क्स की आएगी, एंड दिस इज़ अराउंड 70 मार्क्स का पेपर आएगा, 100 अगर अपन पकड़े तो, अगर 120 पकड़ो तो बढ़ा दो, तो 70 to 80 मार्क्स का पेपर आएगा ये। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा चैप्टर है, 2 दिन में, 6 6 12 घंटे में थ्योरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट एक, सिक्योरिटी एनालिसिस एक, सिक्योरिटाइजेशन एक, इंटरनेशनल फाइनेंशियल, सॉरी इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर, स्टार्टअप फाइनेंस, SME और IFM, एक 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 और एक्स्ट्रा ले लो, टोटल मिला के 30 आनी चाहिए। 15 दिन में आपका कोर्स ख़त्म। इसमें आपको क्लास के नोट्स भी करने हैं, प्रैक्टिस मैनुअल भी करनी है। सर प्रैक्टिस मैनुअल न्यू सिलेबस की कहाँ पे है? सर जो ओल्ड सिलेबस की प्रैक्टिस मैनुअल है उसी को मैंने न्यू सिलेबस की प्रैक्टिस मैनुअल में कन्वर्ट किया था, पिछली बार भी बच्चों को बांटी थी, अगर आपके पास में नहीं होगा तो नीचे लिंक दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना। तो एटलीस्ट जो सिमिलर चैप्टर्स है उसके आपको सारे वो मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट का ज़रूर करना न्यू सिलेबस का। तो ये हो गया आपका प्लान, आपका प्लान हो गया ओल्ड और ओल्ड सिलेबस के हिसाब से तकरीबन कितने दिन बोला था मैंने, 14, और न्यू सिलेबस के हिसाब से 15 डेज़ में आपका कवर अप होता। अब अगर आप डिटेल में अगर एक 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 दिन देखोगे तो आपको लगता है यार 6 घंटे इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा बोल दिया सर ने, फाइनेंशियल कॉर्पोरेट, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। सो पॉसिबल है 14 और 15 दिन में पूरा का पूरा SFM का कोर्स कंप्लीट करना, वो भी बहुत अच्छे से। अब इन 14 और 15 दिन में, यानी ये 28 हाफ डेज़ और 30 हाफ डेज़ में रोज़ कैसे पढ़ना है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? सो फॉर द ओल्ड सिलेबस इट विल बी 28 हाफ डेज़ एंड फॉर द न्यू सिलेबस इट विल बी 30 हाफ डेज़ प्लान, ठीक है? पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको क्लास के नोट्स और प्रैक्टिस मैनुअल, दिन भर में 6 घंटे का टाइम है ना आपके पास में, 6 घंटे का टाइम है रोज़, आपको ये इस दौरान क्या करना है, सबसे पहले स्टेप होगी क्लास के नोट्स और प्रैक्टिस मैनुअल करो। वीडियोज़ अगर कंप्लीट करना है तो वीडियो लेक्चर्स देख के कंप्लीट करो, उसके बाद क्लास के क्वेश्चन हो गए और प्रैक्टिस मैनुअल हो गया। सिमिलर क्वेश्चन अवॉइड करना, जैसे अगर कोई क्वेश्चन है क्लास के नोट में, क्लास बुक में, और वो भी प्रैक्टिस मैनुअल में, तो फिलहाल अवॉइड करो, साथ में कंप्लीट कर लो उसको, डबल डबल टाइम मत देना, ठीक है? सर एक चैप्टर मैंने पकड़ा, चैप्टर के मैंने वीडियोज़ देखे, क्लास के नोट किया, मैंने उसको प्रैक्टिस मैनुअल भी कर लिया, ठीक है कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप आती है कि इसी दौरान आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करते चलो, क्योंकि आपको पता है इतने सारे क्वेश्चन वापस रिवाइज नहीं होने वाले, हर कॉन्सेप्ट का एक 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 क्वेश्चन मार्क करते चलो, और जो भी डिफिकल्ट लगा क्वेश्चन आपको वो मार्क करते चलो। तीसरी स्टेप क्या है सर, तीसरी स्टेप है कि फॉर्मूला शीट्स और चार्ट्स। चैप्टर खत्म हो गया, वीडियोज़ कर लिए, क्वेश्चंस कर लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर लिए, अब आप रिवाइज करना शुरू कर दो। दूसरा चैप्टर कर रहे हो तब तक जो भी आपने फॉर्मूला शीट्स बनाई हो या चार्ट्स आपके पास में होंगे तो रिवाइज करना शुरू करो। कब रिवाइज करोगे, रात को सोने के पहले, जब आप सोने वाले होते हो उसके 1 घंटे पहले तक आप रिवाइज करना शुरू कर दो। एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू रिपीट द सेम थिंग फॉर अनादर चैप्टर, रिपीट फॉर अनादर चैप्टर, सेम चीज़ क्लास के नोट्स, क्वेश्चन बुक, प्रैक्टिस मैनुअल, जैसी कंप्लीट मार्क करते चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फिर फॉर्मूला शीट्स एंड चार्ट्स रिवाइज करो, एंड देन रिपीट फॉर द नेक्स्ट। ये पूरा ऐसे ही चलेगा 28 डेज़ और 30 डेज़ तक, हाफ हाफ डेज जो है आपके। कंटिन्यूस लिंक बिठाए रखना, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, नहीं किया आपने तो। उसके बाद में फर्स्ट रिविजन हो गए, आपके 14 डेज खत्म हो गए, न्यू सिलेबस वालों के 15 डेज खत्म हो गए। अब थोड़ा सा ब्रेक ले लो, जैसे आपने जून में अगर पकड़ा है ये 14 और 15 डेज़ को कंप्लीट करना, ठीक है? अब दूसरे सब्जेक्ट्स करो, आखिरी के जो सेकंड लास्ट मंथ होगा, अक्टूबर जैसे बोल सकता हूँ मैं, ठीक है? अक्टूबर के ये 3 दिन पकड़ना पूरे के पूरे SFM, सुबह से शाम, कोई भी 3 दिन, ठीक है? 3 दिन पकड़ो, day 1, 2, 3। क्या करना, सुबह से लेकर शाम तक प्रैक्टिस मैनुअल रिवाइज करो, क्लास के नोट्स सब बाजू में रखो, प्रैक्टिस मैनुअल पूरी रिवाइज करो, 3 दिन में ख़त्म हो जानी चाहिए। रिपीटेड क्वेश्चन अवॉइड करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मार्क किए थे वापस करो उनको, उसके अलावा भी जितना हो सकता है करो, लेकिन मेक श्योर कि 3 दिन के अंदर में खत्म हो जाए। अब आपको 3 दिन में कौन से चैप्टर कितने दिन में करना है ये आपको डिसाइड करना है। कर लिया, इसके बाद में रोज़ 3 दिन तक 2 बजे से 5 बजे तक एक पिछला एग्जाम का पेपर सॉल्व करो। ओल्ड सिलेबस वालों के लिए पेपर्स अवेलेबल है, न्यू सिलेबस वालों के लिए ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है? पास्ट एग्जाम पेपर तो May 2018 का ज़रूर देखना, एक दिन तो आप कर ही सकते हो न्यू सिलेबस वाले। दूसरे दिन आप स्टडी मटेरियल करो, इसी टाइम में 2 से 5 का जो टाइम बोल रहा हूँ, स्टडी मटेरियल या प्रैक्टिस मैनुअल, और आखिरी में रात को सोने के पहले चार्ट्स या फिर फॉर्मूला शीट्स रिवाइज करो। रट जाना चाहिए आखिरी में, ऐसा हो जाता है,
मैं आपको एनकरेज नहीं कर रहा हूँ रटने के लिए, मैं रटना रट जाना चाहिए इसका मतलब यह है कि इतनी बार रिवाइज कर लिया अब तो सब कुछ याद हो गया सर। ये 3 दिन में एक रीडिंग एक रिवीजन होनी चाहिए, अक्टूबर में कोई भी 3 दिन। अब आती सॉरी अक्टूबर नहीं, मैंने सितंबर बोला, सितंबर में करना ये चीज़ ठीक है। अब आती बारी अक्टूबर में सेकंड रिवीजन करने की और लास्ट रिवीजन करने की, ये मोस्ट प्रोबेबली आप आखिरी के 2 दिन पकड़ोगे। आई थिंक 20th of October के बाद में और 30th of October जो होता है इसके दौरान आप FR भी पढ़ोगे आखिरी आखिरी के। आई थिंक 4-5 दिन आप FR पढ़ोगे और उसके पहले जस्ट पहले SFM पढ़ लेना। 2 दिन में पूरा SFM ख़त्म करना है। क्या करना है सर? सिर्फ इंपॉर्टेंट और मार्क्ड क्वेश्चन रिवाइज करना, सारे क्वेश्चन मत रिवाइज करना। प्रैक्टिस मैन्यूअल अगर आपने अब लेके बैठे पूरे, क्लास के नोट्स अगर आपने लेके बैठे पूरे, नहीं होने वाले और ये 2 दिन वेस्ट हो जाएंगे, कुछ ही चैप्टर कर पाओगे। पास्ट एग्जाम पेपर सॉल्व करो 2 से 5 तक, और 2 पेपर, 5 पेपर टोटल सॉल्व करना है ओल्ड सिलेबस वालों ने, लेकिन न्यू सिलेबस वालों के लिए सिर्फ एक ही पेपर है तो वो एक ही सॉल्व करो, मॉक टेस्ट पेपर एंड RTP जो भी है। आप इसी दौरान RTP, मॉक टेस्ट पेपर ये सब कंप्लीट कर सकते हो। आप यहाँ पे भी RTP, मॉक टेस्ट पेपर, इसमें भी कहीं ना कहीं आप कवर अप कर सकते हो और कंप्लीट कर सकते हो, और चार्ट्स और फॉर्मूला शीट्स रोज। सो आप देखोगे हर दिन मैंने 15 से 20 दिन जो है उसमें हर दिन मैंने आपको चार्ट्स और फॉर्मूला शीट्स रिवाइज करने बोला है, क्योंकि जो पढ़ चुके हो वो रिवाइज होना ज़रूरी है। ये आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग पॉइंट बनेगा ओल्ड सिलेबस के लिए। ये जो 5 पेपर आप सॉल्व करोगे ना 2 से 5 2 से 5 2 से 5 5 दिन तक, ये बहुत ज़्यादा आपको काम आएगा, क्योंकि आपको एक फैमिलियरिटी हो जाएगी कि हाँ पेपर कैसा आता है एग्ज़ाम में। 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया आपका ये प्लान। इजी और सिंपल रखो प्लान को, और रोज़ लॉग मेंटेन करते चलो कि क्या 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 आपको कितना आपने किया, कौन सा चैप्टर कवर किया, कितना क्वेश्चन है। क्या होगा ना, ये एग्जैक्टली प्लान फॉलो नहीं होने वाला। 1000 स्टूडेंट ने वोट किया था 20 दिन का प्लान बना के, तो 1000 में से 10 स्टूडेंट का भी ये प्लान फॉलो नहीं होगा, लिख के देता हूँ नहीं होगा। मेरा भी नहीं होता, अगर मैं भी लेता ना आपकी जगह बैठा होता और यही वीडियो देख रहा होता तो मेरा भी नहीं होता। तो मैं क्या करूँगा सर, कहीं ना कहीं जब 5-6 दिन के बाद में जब आपको पता चलेगा कि बैकलॉग आ रहा है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो, प्लान को अपडेट कर दो, 20 के जगह 21 या 22 दिन कर दो, या कुछ चीज़ें काट लो। अपडेट 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 करना पड़ेगा। ये पूरे 20 दिन में आपको 3 बार शायद प्लान अपडेट करना पड़ेगा, धीरे 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 धीरे, जहाँ पे गलतियाँ नज़र आ रही है वो सब इम्प्रूव करते हुए। सो किसी का भी एक प्लान 3 महीने 5 महीने तक फॉलो नहीं होता। सो आप पूरे 3 से 4 बार प्लान को अपडेट करो, 1 सेकंड, 3 से 4 बार आप प्लान को अपडेट करोगे तब जाके आपकी कहानी बनेगी। डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना अगर टाइम टेबल काम नहीं कर रहा तो, काम टाइम टेबल किसी का काम नहीं करता। मैं आपको बता रहा हूँ मेरा भी टाइम टेबल CA फाइनल में काम नहीं किया था। मैंने जब भी प्लान काम नहीं करता था मैं अपडेट कर लेता था, नया प्लान बना लेता था, बस इतनी सी तो बात थी। इसमें इमोशनल होने की क्या बात है, आप नाराज़ हो जाते हो, आप बोलते हो कि मेरी नसीब ख़राब है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, कभी टाइम टेबल फॉलो नहीं होता, बड़े बड़े रैंकर्स कैसे कर लेते हैं। कोई ऐसा नहीं है, बड़े बड़े रैंकर्स जो होते हैं ये सिर्फ हार नहीं मानते, बस ये डिफरेंस है। ये लोग पॉजिटिवली लेते हैं हर चीज़ को कि ये सब तो पार्ट एंड पार्सल है। 20 दिन का ये प्लान है, आप अपने हिसाब से अपडेट करो। कुछ लिंक्स जो है इम्पॉर्टेंट जो आपको शेयर होगी। अच्छा मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। एक चीज़, जहाँ पे भी आपको डाउट आए कि यार ये क्वेश्चन में ये कैसे लिया समझ नहीं आया, ठीक है, क्या हो गया इसको, डाउट्स आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। फिलहाल मैं 3 दिन ले रहा हूँ रिप्लाई करने के लिए, एग्जाम टाइम में मैं 1 दिन में रिप्लाई कर दूंगा। सेकंड, कॉन्सेप्ट वाइज PM दी हुई है लिंक एक नीचे में, उसको यूज़ करना, आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मैंने करना है। अगर आप उसमें भी मार्किंग कर लोगे तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुद आप बना सकते हो। थर्ड, टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए रहो, मैं कंटिन्यूअस 2-4 महीनों तक कुछ ना कुछ उसमें डालते रहूँगा जो आपको ज़रूर काम आएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल मेरे को व्हाट्सअप कर दो लिंक, या फिर मैं लिंक आपको नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। चौथी चीज़, यूट्यूब टेस्ट सीरीज़ मैं लूँगा SFM पे, सितंबर अगस्त सितंबर अक्टूबर आखिरी के 3 महीनों में कहीं तो टेस्ट सीरीज़ होगी, तो यूट्यूब से जुड़े हुए रहो, मैं आपको अनाउंस कर दूँगा टेस्ट सीरीज़ कब होगी। रिवीजन वीडियोस में ट्राई करूंगा इस बार कि हर चैप्टर का रिविजनरी वीडियो बना के मैं डालूं ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए उससे। कोशिश पूरी रहेगी, जितने मैं प्रॉमिसेस कर रहा हूँ मान के चलना 100 में से 100 मैं शायद ना फुलफिल कर पाऊँ, 80% 90% में मेरा दे सकता हूँ, मतलब फुलफिल कर सकता हूँ। सो मैं अगर यहाँ पे 4 चीज़ें 5 चीज़ें बता रहा हूँ तो मान के चलो 4 ही चीज़ें होगी, 5ों नहीं होगी। सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट।
कहीं भी दिक्कत आती है, आपको कोई और डाउट है, एक हाथ स्पेसिफिक डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा, कमेंट में डालो तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा 2 दिन तक। और बाकी व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे तो आप मुझसे जुड़ ही सकते हैं हर चीज़ के लिए। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ द एंटायर प्लान। आई ट्राई टू मेक इट सिंपल एंड इफेक्टिव। इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना, जहाँ आपने डिले किया वहाँ प्लान आपका सारा गड़बड़ा जाएगा। सो डेडिकेशन, फोकस, यू हैव टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन ऑल्सो। फोकस्ड रहना है और डेडिकेटेड रहना है, हर टाइम लॉग मेंटेन करते रहो हर टाइम कि क्या चल रहा, क्या चल रहा, आज क्या किया, आज क्या किया, आज क्यों लेट हुए एंड ऑल दैट। एक गुस्सा अंदर से आना चाहिए तभी ये सब चीज़ें पॉसिबल है। सो इन सब चीज़ों के अलावा जो एक चीज़ आपको लगेगी वो है सेल्फ मोटिवेशन। कोई इस दुनिया में आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। अगर आपके खुद के ड्रीम छोटे हैं तो ये सब चीज़ें वेस्ट हैं। थोड़े ड्रीम्स का लेवल बढ़ाओ, थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि कितना भी कोई भी हो जाए, 1 लाख स्टूडेंट होंगे इंडिया में लेकिन मैं सबसे बेस्ट करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास भी वही मटेरियल है, सिर्फ फ़र्क है तो टाइम का। वो ज़्यादा टाइम देंगे, वो 21 घंटे देंगे तो मैं 22 घंटे दे के दिखाऊँगा और मैं करके दिखाऊँगा। बस ये एटीट्यूड रखो थोड़ा सा एंड यू विल गो थ्रू इट। बाय बाय।